पिछली बार प्रिय बच्चों, मैंने आपको केश निकालने में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है या कितनी ऊंचाई तक गिरता है उसके बारे में आपको फॉर्मूला प्रूव करवाया, जिसका मान था ये 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। मैंने आपको दो मेथड बताए, इस वाले मेथड में आप देखिए कि जो पृष्ठ तनाव के कारण बल का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट है वो द्रव के भार को, जो भार इसमें चढ़ता है उसको बैलेंस करता है। इस प्रकार से की गई जो गणना है उसके ऊपर कई दफा परीक्षाओं में न्यूमेरिकल आए हैं, जैसे मैं आपको दो एग्जांपल करवा रहा हूं। एक तो ये है कि अगर आप केशिका नली को थोड़ा टेढ़ा कर दें तो मूल सतह से द्रव की ऊंचाई कभी नहीं बदलेगी। जैसे मान लो आपने केशिका नली को वर्टिकल होल्ड कर रखा है और एच ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है, तो मैं ये बता दूं कि उसको अगर आप मोड़ भी देंगे तो भी हाइट एच रहेगी। हालांकि केशिका नली में द्रव स्तंभ की जो लंबाई है, लंबाई और हाइट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये लंबाई एल है, तो एल और एच, एच वही रहेगी लेकिन एल बदल जाएगी टेढ़ी होती, तो एच अपॉन कॉस थीटा इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मान लो किसी केशिका नली में एच ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है, यहां तक चढ़ा मान लो ये, और आपने इसको यहां से तोड़ दिया, ये लाइन जो खींच रही है यहां से मैंने इसको तोड़ दिया या काट दिया, तो क्या द्रव का फवारा बन जाएगा? इसका उत्तर ये देता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कि केशिका नली अगर इनसफिशियंट हाइट की है या लेंथ की है और वो उसमें द्रव जितना चढ़ना चाहिए था उतनी उसकी लंबाई नहीं बची, तो आप समझिए, आप उत्तर ये नहीं देना है कि उससे फवारा बन जाएगा, द्रव बाहर आ जाएगा, नहीं। आप कहोगे मेनिस्कस की जो त्रिज्या है वो इस प्रकार से अपना आकार बदलेगी कि अगर एच ऊंचाई चढ़ने पर मेनिस्कस की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर होती, और अब जो उपलब्ध ऊंचाई है केशिका नली की वो एच डैश है और उसमें मेनिस्कस की त्रिज्या आर डैश होगी, तो एच आर बराबर एच डैश आर डैश को फॉलो करेगी। ये एक प्रश्न पूछते हैं सामान्यतया। तीसरा प्रश्न ये आता है कि अगर केशिका नली का जो काट क्षेत्र है या क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होने की बजाय, वृत्ताकार होने की बजाय अर्धवृत्ताकार होगा तो कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा? तो प्यारे बच्चों, जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये देखिए मेथड बताया था पिछली बार कि आप कुल बल निकाल लीजिए, कुल लंबाई कितनी होगी 2πr, 2πr इंटू एस और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कॉस थीटा ले लीजिए। तो यहाँ आप इसी चीज़ को देखिए, अर्धवृत्ताकार केश नली में ये लंबाई तो हो गई पाई आर, ठीक है, और ये हो गई 2r, तो कुल लंबाई 2πr की जगह क्या हो गई, पाई आर प्लस 2r हो गई, तो पाई आर प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाई वही एस कॉस थीटा, ये बराबर चढ़े गए द्रव का भार है। तो भार में पहले तो क्या था, पाई आर स्क्वायर रो जी था, अब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो काट क्षेत्र हो गया, इंटू एच ये आयतन हो गया, इंटू रो द्रव्यमान हो गया, जी करते भार आ गया। इन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि एच का मान आएगा 2s cos थीटा पाई प्लस 2 अपॉन पाई रो जी एच। और ये चीज़ महत्वपूर्ण है समझने की कि अभी भी एच का जो मान है वो इस त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या है मेरा कहने का, बहुत सरल है, मतलब कि केशिका नली का काट क्षेत्र चाहे एक वृत्ताकार हो चाहे कुछ अलग, दोनों स्थितियों में
जो चढ़े गए द्रव की ऊंचाई है वो हमेशा उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और है, प्रश्नों पर आधारित, कि चलिए आप दो कांच की प्लेट ले लीजिए। एक प्लेट देखिए ये दिख रही है और दूसरी प्लेट ये दिख रही है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर, जैसे मेरे हाथों को आप देखिए, ये दोनों हाथ इस तरह से कांच की प्लेट मान लीजिए इनको, तो पानी में ऐसे डुबो दिए या किसी द्रव में डुबो दिए, तो यदि दो प्लेटें वर्टिकली द्रव में डुबो दी जाएं, तो दोनों के मध्य जो द्रव चढ़ेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए, मान लो इसकी कांच की प्लेट की लंबाई L है, इनके बीच का सेपरेशन X है, आपको X दिया हुआ रहेगा, परीक्षा में X मिलेगा दिया हुआ। तो द्रव की जो मुक्त सतह वो इस कांच की सतह, कांच के प्लेट के भी टच करेगी और इस दूसरी कांच की प्लेट को भी स्पर्श करेगी, तो कुल कितनी लंबाई होगी? L इंटू एस बल हो गया, और ये एल इंटू एस बल हो तो 2LS बल हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 2L और वही S cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बराबर चढ़े गए द्रव का भार। देखो भाई, x ऊंचाई है, सॉरी x तो इसका बीच की दूरी है, तो x इंटू एल ये तो हो गया, L इंटू एक्स तो हो गया काट क्षेत्रफल एक तरह से, और h ऊंचाई है तो देखो एल एक्स एच ये आयतन हो गया, आयतन गुणा रो का मतलब द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान इंटू जी का मतलब भार हो गया। तो इससे आपको फॉर्मूला मिलेगा 2 रो कोस थीटा अपॉन एक्स रो जी। ये देखिए क्या है, 2S कोस थीटा अपॉन एक्स रो जी। तो यहाँ पर भी आप देखो एच समानुपाती 1/x आ रहा है, एस समानुपाती 1/x का क्या मतलब है कि फिर से जितनी नजदीक ये दोनों प्लेटें होंगी उतना ही ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा, और ये ठीक वैसा ही है जैसे नली की त्रिज्या को और हम कम करते जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और वो है कि एक सुराही है, मान लीजिए ये सुराही है, सुराही पिचर बोलते हैं इसको, और इस सुराही के नीचे पेंदे में एक छोटा सा छिद्र है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो इस सुराही में कितना ऊंचाई तक द्रव भर दें कि इस छिद्र में से द्रव नहीं निकले? तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि एच ऊंचाई तक अगर द्रव भरने से, आपको सबको मालूम है जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है रो जी एच, और ये रो जी एच जब तक दाबांतर के बराबर, एक्सेस प्रेशर के बराबर होगा तब तक द्रव बाहर नहीं निकलेगा। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि 2x/r, 2x/r क्या होता है, दाबांतर होता है किसी भी द्रव की मुक्त सतह का, ये जब तक बड़ा और बराबर होगा एच रो जी का तब तक द्रव बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखो बच्चों, एच की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 2s/ρg, यानी जब तक इस सुराही में इतना ऊंचाई तक द्रव नहीं भरा जाएगा तब तक द्रव लीक नहीं करेगा। फॉर द लीकेज ऑफ द लिक्विड फ्रॉम दिस पिचर द हाइट अप टू विच द लिक्विड कैन बी फिल्ड इज 2s/ρg, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, रो इज इट्स डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑरफाइस इन द पिक्चर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। सो दिस इज ए वे टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको इसके बाद जो है एक नई बात बताऊंगा, वो है बर्नौली की प्रमेय। ये बहुत फेमस है और बर्नौली की प्रमेय हम अगले पार्ट में करने जा रहे हैं।